हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज किस वीडियो हम बात करने वाले हैं, अगर आप काइन मास्टर से अपने वीडियो को एडिट करते हैं, एडिट करते समय आपको अपने वीडियो में से कोई पार्ट कहीं से कट करना है तो उसे आप कैसे कट करके निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं काइन मास्टर में। काइन मास्टर को फ्रेंड्स ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स हम किसी वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसी के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप अपने वीडियो को कट करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो ले लिया हूँ, इसका वॉल्यूम थोड़ा कम करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं ये इसमें कई लेयर में बढ़ चुका है। फ्रेंड्स, अगर इसमें से फ्रेंड्स में किसी पार्ट को कट करना है, जैसे देखिए यहाँ से लेकर के फ्रेंड्स यहाँ से लेकर के फ्रेंड्स यहाँ से कट करके निकालना है। हम इसे कैसे निकालें देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या काम करना है, इसे सेलेक्ट कर लेना है और इस तरह से सेट कर लेना है। इसके बाद की कैंची का निशान है, कैंची पर जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे स्प्लिट एड प्लेहेड, इसे आप क्लिक करेंगे। फिर फ्रेंड्स आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, जहाँ तक आपको कट करना है फ्रेंड्स वहाँ तक ले जा करके फ्रेंड्स फिर से आप स्प्लिट एड प्लेहेड। अब देखिए फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो कि अलग हो गया पार्ट, अब इसे आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं। तब इसे डिलीट कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स ये क्या हुआ, डिलीट हो गया। अब आसानी से आप भी अपने वीडियो में किसी भी पार्ट को डिलीट कर सकते, कट करके निकाल सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड आप अपने वीडियो में किसी भी पार्ट को आसानी से कट करके निकाल सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए हो। तो दोस्त, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्त का हौसला बढ़ाने के लिए चैनल पर पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी को जब बजा देना और प्रेस करना, जिससे हमारी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आप तक। थैंक यू।